अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम ना ही किसी टेक्निकल चीज़ की बात करेंगे, ना ही किसी फिल्म की बात करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे इसी प्लेटफॉर्म मतलब यूट्यूब की। ठीक है, मैंने अपनी यूट्यूब लाइफ में जो भी कुछ समझा और सीखा है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उम्मीद है आप उसको उससे आपकी हौसला अफजाई होगी और उससे आप मोटिवेट हो सकेंगे। ठीक है, एक छोटी सी मेरी कोशिश है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के काम आ जाए। अच्छा, बहुत से लोग YouTube पर ये समझते हैं कि YouTube के लिए हर चीज़ परफेक्ट हो तो हम स्टार्ट लेंगे, हमारे पास ये चीज़ की कमी है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। मैं 100% तो नहीं, खैर 80% ये बात कह सकता हूँ कि आजकल के दौर में तकरीबन 80% लोगों के पास स्मार्टफोन है। ठीक है, तो बस यही आपका समझ लें चैनल बन सकता है इससे, बाकी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप कोई भी चीज़ खरीदें, अगर ख़रीद सकते हैं तो और अच्छी बात है, मगर आपके पास जो मौके हैं समझ लें वही काफ़ी है। बहुत सी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर भी, और एक छोटा सी समझ लें एग्जाम्पल, मैं खुद भी हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूँगा, कोई चीज़ कमी होगी ज़ाहिर सी बात है, मगर मैं ये कहूँगा कि आप स्टेप लें, अल्लाह पाक रास्ते खुद ब खुद बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हर चीज़ परफेक्ट शुरू में नहीं हो सकती, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ। अच्छा, उसके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल मेरा ख़ुद का ये स्टूडियो है छोटा सा, आप इस स्टूडियो को देखेंगे इसमें बिल्कुल सादगी है, कुछ भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लगी हुई। आप ये पीछे मेरा जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये कपड़ा है, ब्लैक कपड़ा है, इसको मैंने स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल किया है। आपकी दीवार अगर थोड़ी सी, अगर कुछ भी है, एक्स वाई जेड गंदी है, कुछ भी है, आप नहीं दिखाना चाहते, आप ये समझते हैं कि मैं खड़ा हो जाऊंगा तो बैकग्राउंड बुरा लगेगा और मैं अपना वॉलपेपर बनवाऊं, मैं पहले बैकग्राउंड चेंजिंग करना शुरू करूं, पहले बैकग्राउंड का वो एडिटिंग अच्छी कर लूं, अपनी ये कर लूं, मगर आपके पास जो आता है ना, आपको जो आता है वही आपका सबसे बेस्ट है। और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो आज का टाइम अगर आपको क्लिक कर गया ना, ये बात अगर आज के वक्त, अभी के वक्त आपको एक बात अगर क्लिक कर गई है समझ लें यही टाइम सबसे बेस्ट है, और अगर कल समझ में आते हो समझ लें कल का टाइम बेस्ट है। जब आपको क्लिक कर जाए ना ये बात, तो समझ लें वही टाइम आपका बेस्ट है, सबसे पहली बात। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई मेरी टेबल, आप नॉर्मल सी जो भी आपके घर में टेबल अवेलेबल है वो ले लें, नहीं है कोई मसला नहीं है, आपके पास कोई स्टूल है बैठने के लिए वो ले लें, खड़े होकर बात करना चाहते हैं खड़े होकर कर लीजिए। मैं आपको अपना एक ना छोटा सा जो स्टूडियो बनाया हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख लीजिए, उससे शायद आप की भी थोड़ी बहुत हौसला अफजाई हो जाए और आप स्टार्ट ले सकें। ठीक है, मैं तो ये चाहता हूँ आपके पास जो भी नॉलेज है ना वो दूसरों को बांटें, इंशाल्लाह आपकी अपनी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपका अपना इल्म भी बढ़ेगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। बाकी दुआएं तो फिर अलग ही चीज़ है ना, दुआओं का तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है मेरे भाई। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि मेरे पास जो मौके हैं शायद आपके पास ना हो, उससे भी कम हो। तो भाई जो आपके पास मौके हैं ना, समझ लें वही बहुत हैं, आप उसी से स्टार्ट ले लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, और हो सकता है आपके पास मुझसे बेहतर मौके हों और मुझसे बेहतर समझा सकते हों, तो और अच्छी बात है मेरे भाई। ठीक है, तो आप स्टार्ट लें। ठीक है, बस स्टार्ट लेने की ही देर होती है मेरे भाई, मैं भी आपके सामने ही बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था और आज देख सकते हैं आप, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जितना भी अल्लाह पाक ने समझ लें करम किया हुआ है ना, बहुत है। कुछ ये होता है, कुछ अर्निंग ऐसी होती हैं कि YouTube के हवाले से अगर मैं बात करूं कि कुछ अर्निंग्स ऐसी होती हैं कि आपको YouTube दे रहा होता है, कुछ इसकी वजह से मिल रही होती हैं, इस प्लेटफॉर्म की वजह से मिल रही होती हैं कि आपको लोगों की जान पहचान शुरू हो जाती है, नए नए लोगों से आप मिलना शुरू कर देते हैं, वो या लाखों लोग जो है ना आपसे इससे कनेक्ट हुए होते हैं। बाकी इस दौर में किसको पैसों की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी लाइफ में आप काम कर रहे हैं, कुछ भी है, आप कुछ काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कहीं जॉब करते हैं, कोई आपकी शॉप है, कोई सप्लाई है, कुछ भी है, ठीक है ना, आप उसको ख़त्म ना करें, आप रोज़ का 1 से 2 घंटा इस YouTube को दें, समझ लें कि आपने बस यूँ समझ लें कि आपने इससे सीखना है और सिखाना है, बस इसको मद्देनज़र रखें और समझ लें कि मैं 1 साल तो नहीं कहूँगा YouTube, जबकि आपको 1 साल देता है, ठीक है, मगर आप 1 साल नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ जो है ना YouTube को दे दें, आपको इंशाल्लाह रिजल्ट मिल जाएगा। मगर एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो क्या, आप रोज़ एक वीडियो कम अज़ कम कोशिश करें, अगर एक नहीं डाल सकते तो कम अज़ कम एक दिन छोड़ के एक वीडियो कम अज़ कम ज़रूर डालें, और टॉपिक अच्छा चूज़ करें जिस टॉपिक की आपको समझ हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।